हेलो एवरीवन, काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। तो मेरी पिछली वीडियो जहां से एंड हुई थी, अभी वहीं से दूसरी वीडियो शुरू हुई है। तो अभी हम लोग हैं अजंता में, और अजंता में जो कि दोपहर के बज रहे एक बज रहे होंगे, सवा एक ऐसे ही टाइम हो रहा। तो देखिए यहाँ पर जो है बारी बारी सारी गुफाएँ हमने आपको दिखा दी इस तरह से, बहुत ऊँचा नीचा सब चीज़ें हैं इस तरह से। तो क्या है, एक बड़ी बड़ी चट्टानों को, पत्थरों को इस तरह से काट काट के इस तरह से ये तराशा गया है। इतनी ही महीन कारीगरी है, जो कि मतलब आज के समय में तो बहुत ही पॉसिबल है, जबकि इतना ज़्यादा मतलब मशीनरी ज़माना आ गया है, मशीनों से भी इतना अच्छा काम नहीं हो पाएगा जितना ये था। तो आप देख सकते हैं, जो लोग नहीं गए तो प्लीज़ ज़रूर जाइए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। हमारे इंडिया की धरोहर है एक, जो कि इतना मतलब संभाल के रखा गया है, और आप सबको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो सारी गुफाएं तो लगभग मैंने दिखा ही दी है। तो अब हम लोग देखिए निकल चुके हैं घर की तरफ। लगा हाँ, वीडियो बनना है चोरी के माल का, प्रकृति से चोरी करी तुमने। लग गया, निकल तो नहीं गया? नहीं नहीं, दिख रहा अच्छा। जाओ तो आज आपने देखा कि मेरा एकदम मन कर गया है। और इतने सारे लौटने का जो रास्ता है ना, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे जिनमें बहुत सुंदर सुंदर फूल निकले थे, पिंक और वाइट कलर के। तो मेरा मन कर गया कि मैं इनको लेकर के अपने बालों में लगाऊं। तो बस कभी भी मैं ऐसा करती नहीं हूँ कि कहीं भी जाऊँ और गैर कानूनी कोई काम करूँ या फिर कोई चोरी करूँ, लेकिन आज कुल मिला के मैंने चोरी कर ही ली और फूल जल्दी से चुपचाप तोड़ लिए। वैसे तो कोई शायद डांट सकता था, लेकिन फिलहाल तो डांट नहीं पड़ी, मैं चोरी करके वहाँ से निकल ली हूँ जल्दी से। और ये देख रहे हैं, लौटेंगे जब तो ये लकड़ी का पूरा पुल है, बहुत अच्छा है काफ़ी यहाँ पर। और बस इस तरह से ये पुल से आएंगे और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह का एक और पुल है। तो बस यहाँ पर सभी लोग फ़ोटो शूट वगैरह करा रहे थे, तो थोड़ा सा ये स्लो मोशन में फ़ोटो मतलब वीडियो बना लिया, तो देखिए काफ़ी अच्छा आया है। और बस इस तरह से ही हमारी यात्रा जो रही है बहुत ही यादगार रही, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बच्चों के साथ में। और कुल मिला के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने बच्चों को जो है घुमा दिया, और कहीं ना कहीं तो मतलब घुमाने का था ही, क्योंकि बच्चे इतनी दूर से आए हुए हैं, मेरे भांजा भांजी जो हैं। तो बस यहाँ पर देखिए इस तरह की मूर्तियाँ वगैरह ना बहुत बिकती हैं, तो इसमें ना थोड़ा सा आप सावधानी रखिएगा। एक मूर्ति 200-300 ऐसे बोलते हैं, लेकिन फिर 30-40 रुपये में दे देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मतलब उल्लू मत बनिएगा। और ये ना लकड़ी की होती नहीं है, लेकिन वो सब लोग ना लकड़ी की ही बताते हैं, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर होता है ना टूरिस्ट प्लेस पे आप जाओ ना, तो हमें क्या होता है, हम लोग नए होते हैं, हम लोग उतना ज़्यादा जानते नहीं हैं। वो फिर वो चाहे कन्वेंस के मामले में हो या कुछ भी शॉपिंग करनी हो, तो क्या होता है 1-4 हमें पे करने पड़ जाते हैं और हम जाते हैं लूट। तो आप लोग ऐसे लूटिएगा नहीं। तो मूर्तियां हैं, छोटे छोटे स्टैचू हैं, बहुत अच्छे लगते हैं गिफ्ट करने या किसी को मतलब घर में सजाने, तो ले सकते हैं। लेकिन हाँ, 50 रुपये से ज़्यादा की कीमत इनकी नहीं है। तो मैं जब इससे पहले गई थी ना, तो मैं ले कर के आई थी, इसलिए मैंने कुछ भी लिया नहीं, क्योंकि और बच्चों ने लिया, इन लोगों ने लिया, ओम ने, आशी ने सब लिया जो भी लेना था, तो ये लोग लेके आए। मैं लेकिन अपने घर के लिए कुछ नहीं लेके आई। और आशी और ओम ना एक दूसरे का मतलब फ़ोटो वोटो खींच रहे, सब बच्चे एक दूसरे का इस तरह से देख सकते हैं। पूरा पहाड़ों के बीच में जाके ये बनाया गया बना है, तो बस उसी के बीच में इस तरह से हम लोग पहुँच गए जंगलों में, और जंगलों के मज़े ही कुछ अलग ही हैं। तो मैं तो इतना ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैं खुशी की वजह से देखे नाच ही रही हूँ। तो ओम मेरा हंस रहा था, कह रहा मामी तो आज पागल हो गई लगता। तो कोई नहीं, जब होता ना घर गृहस्थी को छोड़ के, क्योंकि रोज का वही रूटीन, बच्चों का स्कूल, घर का खाना पीना, ये वो ग्रस्त जीवन, एक औरत का ना, एक आम मतलब औरत जो होती है ना, उसकी लाइफ यही होती है कि सुबह
उठो, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, बर्तन, बच्चे, बच्चों का स्कूल, हस्बैंड, सब यही लाइफ होती है। और उसी बीच में अगर कहीं आपको जाने को मिल जाए ना, कुछ अलग हो जाए आपकी लाइफ में, तो खुशी तो अंतरात्मा से निकलती है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारी जो प्यारी प्यारी गृहिणियाँ हैं ना, वो बिल्कुल इस बात को मेरी समझ रही होंगी कि कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है जब कहीं घूमने जाने को मिलता है। उस दिन उन सारे कामों को हम जल्दी कर लेते हैं या फिर उन सारे कामों को करना ही नहीं पड़ता कई बार। तो यहाँ पर ना छोटा सा एक मार्केट भी है जहाँ पर इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप ले सकते हो। तो मैंने भी एक छोटी सी लैंप लेकर के आई हूँ, तो फिर आपको दिखाऊंगी कभी फिर आगे। और मैंने हम लोगों ने यहाँ पर खाई आइसक्रीम, क्योंकि कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा था। फिर थोड़ा सा आगे चल करके कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ली गई, तो कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा बढ़ी गई। और यहाँ पर मैं हैट वगैरह ट्राई कर रही थी कि जो अच्छी लगे तो ले लें, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली लग रही थी मुझे, तो फिर मैंने तो नहीं ली। लेकिन अच्छी बहुत थी, सुंदर बहुत लग रही थी। फिर ये भी लग रहा था कि अभी ज़रूरत है नहीं, तो बेवजह पैसे क्यों हम इनमें फंसाएं। तो अभी हम बाहर की तरफ आ गए, और ये जो है पार्किंग एरिया है, देख सकते हैं सामने कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिख रहे होंगे इस तरह से। और बस धूप इतनी ज़्यादा कड़ी थी, क्योंकि वही 1:30-2 बज रहे थे, कड़ी धूप तो होती ही होती है, तो बिल्कुल एकदम जले जा रहे थे। तो हम लोगों ने इस तरह से फेस को ढक लिया और वहीं से ली बस। तो हम लोग वही लगभग 4:30 बजे तक आ गए थे घर। और उसके बाद देखिए मैंने गलाई है दाल, आके तुरंत मैंने दाल गला दी। और लगभग अभी वही बज रहे हैं 6:30 बज रहे होंगे, क्योंकि मैंने ना गर्म पानी में दाल गलाई, और मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी हम लोग आ जाएंगे। मुझे लगा लेट नाइट आएंगे तो फिर बाहर ही कुछ खा लेंगे, लेकिन मैं आ गई थी समय से। तो फिर मैंने सोचा बाहर का खाना क्यों खाएं, हम घर का अच्छा शुद्ध साफ बना करके खाते हैं मतलब, और बाहर फिर 1-2 घंटे हमें टाइम भी चाहिए। तो अभी लगभग 6:30 हो रहे हैं, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चीला, और बस मिस्टर शुक्ला जी ने बनाई है चटनी, तो मैंने इनको भी थोड़ा सा काम दे दिया, क्योंकि थकान सबको ही थी। तो बस पहले तो चाय पी गई, चाय नाश्ता थोड़ा बहुत हुआ ऐसे ही, और बिस्किट नमकीन टोस्ट वगैरह से। उसके बाद 4 बजे चाय नाश्ता कर लिया। फिर देखिए मेरा भांजा जो है ना ताल ठोकरा कि मामी देखिए इतना थक गई है फिर भी इतना स्वादिष्ट भोजन बना करके खिला रही। तो मेरा भांजा इतना खुश था ना, इतना मामी की खिंचाई की है इसने कि पूछो ही नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने ये नथ ना काफ़ी टाइम पहले मंगाई थी, आपको दिखाई भी थी, तो मैं आशी को दिखा रही थी अपनी चीज़ें कि आशी देखो ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो होता है बच्चे बड़े हो जाते तो बच्चों से राय ली जाती है कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है कि क्या नहीं। तो यहाँ पर आशी कह रही मामी चलो मैं पहन के देख लेती हूँ, तो ये पहन के देख रही तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। देखिए दुल्हनिया लग रही है, एकदम छोटी सी दुल्हनिया होती है ना वैसे लग रही है। और बस नेक्स्ट डे का टाइम था, और अभी बज रहे हैं वही लगभग 3, तो इन लोगों की ट्रेन थी अगले दिन की। तो बस ये लोग निकल रहे हैं, और देखिए तैयार हो गए। यहाँ पर सिवाय की हो रही खिंचाई, सिवाय को नंगा ही कर दिया आशी ने बार बार, बस उसको इसी तरह से चिढ़ा रही थी बार बार, और वो भी ना चिढ़ा जा रहा था, एकदम परेशान हो रहा था। तो बच्चे हो गए तैयार, और मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई कि बच्चे एकदम जा रहे हैं और मैंने उनको कुछ भी दिया नहीं, जैसे होता है ना कपड़े का तो मतलब जो था ही, लेकिन और मैं पैसे देने वाली थी वो मैं एकदम से भूल गई। लेकिन फिर ये बोले कि ट्रेन थोड़ा लेट है, तो ये हुआ कि चलो घर पे ही बैठो। तो फिर उसके बाद फिर मैं दी बच्चों को पैसे यहाँ पर, सही बात भाई, जल्दी करो देर होने का, चल ले लो, चलो ले लो, अरे ठीक है धन्यवाद। चलो भाई चलो, क्यों तू पकड़ो, रुको हम भी आ रहे हैं, चल मत जाना। चलो चलो तुम नहीं बाहर से बाहर घूम लोगे यहीं दीदी, बस बाय बाय कर दो, पुच्छा कर डालो, पुच्छा नहीं ना नहीं ऐसा, फिर आना है ओम, फिर आना है दीदी, वो बैग